हेलो व्यूवर्स, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में इंसर्शन सॉर्ट के हवाले से अब ये एक तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने समझा कि इंसर्शन सॉर्ट काम कैसे करती है, हमने उसका एक ड्राई रन करके देखा। दूसरी वीडियो में हमने उसके करेक्टनेस प्रूफ देखा कि इंसर्शन सॉर्ट को फॉर्मली प्रूफ किया कि वो करेक्ट है, टोटल करेक्टनेस उसकी हमने चेक की थी। और अब तीसरी वीडियो में हम उसका एफिशिएंसी एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं हमारी इंसर्शन सॉर्ट किस एफिशिएंसी क्लास से ताल्लुक रखती है। सबसे पहले मैं आपके सामने एल्गोरिदम जो हमने इस्तेमाल किया वो लेके आता हूँ। ये आपके सामने स्क्रीन पर एल्गोरिदम है जो हमने इस्तेमाल किया था इंसर्शन सॉर्ट की वर्किंग को समझने के लिए भी, और इसके अलावा इसको करेक्टनेस प्रूफ करने के लिए भी। अब हम इसके एफिशिएंसी एनालिसिस करना चाहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जी। इस वक्त ऐसा है कि हमारे पास कोई गिवन अगर अरे है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वही हमारी अरे जो हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसी को ले आता हूँ। अब हम फॉर लूप की अगर आइट्रेशन लिखना चाहें तो हमें समझ आते हैं कि एक दफ़ा असाइनमेंट स्टेटमेंट ने काम किया होगा। हम तीन तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं फॉर के अंदर। एक दफ़ा असाइनमेंट स्टेटमेंट चलती है, सो इसी तरह से एक दफ़ा इसमें उसके अलावा कंडीशन चेक होती है। सो यहाँ पर कंडीशन कितनी दफ़ा चेक हुई होगी, जे से लेके एन तक तकरीबन एन माइनस वन एलिमेंट्स हैं, ये कंडीशन चेक हुई होगी और ये ट्रू रही होगी। और एक दफ़ा जे आखिर में यहाँ पर आया होगा जो कि फॉल्स कंडीशन रही होगी। सो इसका मतलब ये हमारे पास टोटल प्लस वन ये एक हमें करना होगा जो कि फॉल्स टाइम के लिए है। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट भी फॉर लूप के अंदर किया जा रहा होता है। सो इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट की अगर बात करूँ तो इंक्रीमेंट कंडीशन जो हमारे पास होती है उससे एक कम होती है। कंडीशन अगर मेरे पास एन टाइम चेक हो रही थी तो ये मेरे पास एन माइनस वन टाइम इंक्रीमेंट हुआ होगा। सो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट एन माइनस वन टाइम चली होगी। सो इस सारे को अगर मैं सम अप कर लूँ तो ये माइनस वन भी इस वन से ख़त्म हो गया तो टू एन मेरे पास आता है कि मेरे फॉर लूप जो है इसका बेसिकली टाइम टू एन सामने आ गया, ये टू एन टाइम चला होगा। इसी तरह से अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट की, इसकी नंबर ऑफ ये आइट्रेशंस असल में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो इसकी आइट्रेशंस ये क्योंकि फॉर लूप के अंदर है लिहाजा ये यानी फॉर लूप की कंडीशन जितनी दफ़ा चेक हुई है उससे एक कम होगा। सो ये एन माइनस वन टाइम, इसी तरह से ये भी फॉर लूप के अंदर है ये भी एन माइनस वन टाइम। नेस्टेड फॉर लूप का एनालिसिस कैसे करना चाहिए, इसके लिए हम समेशन का साइन यूज कर सकते हैं। हमें आउटर लूप कितनी दफ़ा चला होगा ये जे पे डिपेंड करता है, जे हमारा टू से लेके एन टाइम तक चला है। सो ये समेशन साइन इस आउटर लूप के लिए है। और इस लूप ने कितनी दफ़ा चलना है इट डिपेंड्स, हो सकता है पहली दफ़ा ये एक दफ़ा भी ना चले क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, और ये भी हो सकता है कि एक्सट्रीम केस की अगर बात करूं तो ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू होती रहे और फिर ये बाउंड्री चेक जो है उसकी वजह से सिर्फ फॉल्स होता हो। तो अभी हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में, ये इसका वर्स्ट केस और बेस्ट केस हो सकता है जो अभी मैंने डिस्कस किया, अभी डिटेल से देखते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको टी जे कह देते हैं कि ये टाइम है जो कि डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, जे के ऊपर। और अगर आप नोट करें तो ये जे पर ही डिपेंड करता है, जब जे यहाँ पर टू है तो आई यहाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये वाइल लूप चलेगा तो सिर्फ एक दफ़ा ट्रू स्टेटमेंट के लिए चलेगा। लेट से हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये अगर ट्रू भी है तो एक दफ़ा ट्रू के लिए चलेगा और एक दफ़ा कंडीशन फॉल्स के लिए यानी टू टाइम चलेगा। फिर जे जब यहाँ पर एक आगे चला गया होगा, आई यहाँ एक पीछे होगा, सो एक दफ़ा कंपैरिजन हुआ होगा, दूसरी दफ़ा हुआ होगा, और फिर तीसरी दफ़ा जब आई यहाँ बाहर निकल गया। मैं दोबारा मैं कह रहा हूँ कि ये हम इस कंडीशन को अभी इग्नोर करके सिर्फ आई के ऊपर बेस करते हुए बात कर रहे थे। अभी फ़िलहाल के लिए अभी हम इस एनालिसिस को एक साइड पर रखते हैं। हमने इसे अननोन टाइम को टी ऑफ जे कह दिया समथिंग, और ये स्टेटमेंट जो कि इस लूप के भी अंदर है, इसका मतलब जितनी दफ़ा ये आउटर ये लूप चल रहा है उससे एक कम दफ़ा ये चलेगा। सो इसका अगर मेरे पास रनिंग टाइम जे इज इक्वल टू 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 एन और टी जे था तो ये टी जे से एक दफ़ा कम चलेगा। सो इसी तरह से ये वाली स्टेटमेंट जो है इसका भी रनिंग टाइम यही बनता है कि जे इज इक्वल टू 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 एन है और टी जे माइनस वन टाइम ये स्टेटमेंट चलेगी। ये स्टेटमेंट
इनर लूप से बाहर है, आउटर लूप की अंदर स्टेटमेंट है एंड -1 टाइम ये चलेगी। सो अगर मैं इसका रनिंग टाइम को सम अप कर लूँ यहाँ पर, तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू मेरे पास आ जाता है 2 n + n - 1 + n - 1 + j = 2 to n t j + 2 time। ये सेम स्टेटमेंट है, दो दफ़ा है, मैं 2 time ये स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, +2 time समेशन j इज इक्वल टू 2 to n t j - 1 और फिर एक दफ़ा n - 1। ये सारे तमाम n's जो हैं 2 n n 3 n 4 n 5 n 5 n मेरे पास ये आ गए, -1 - 1 - 1 - 1, ये वाला -1 मैं ले रहा हूँ, तो ये मेरे पास -3 आ गया। और बाकी स्टेटमेंट्स ये उसी तरह से मेरे पास है, j इज इक्वल टू 2 to n t j + j = 2 to n t j - 1। अब ये सीरीज हमें सॉल्व करनी आनी चाहिए, ये आई थिंक वेल नोन सीरीज है, लेकिन मैं एक दफ़ा सीरीज किस तरह से सॉल्व की जाती है उसको रिवाइज करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सीरीज हो कि i इज इक्वल टू 1 to n और यहाँ पर 1 हो या कोई कांस्टेंट हो, यानी इसका मतलब ये है कि मैंने 1 को ऐड करना है n टाइम, मेरे पास ये 1 मौजूद है या मेरे पास n टाइम ये 1 लिखा हुआ है, तो इस सीरीज का सम मेरे पास n ही आएगा, n टाइम 1 1 को ऐड करेंगे तो n ही आएगा इस मेरे पास। इसी तरह से अगर सीरीज मेरे पास i 1 to n है और सीरीज मेरी स्टार्ट होती मेरी i पे है, यानी पहली दफ़ा 1 फिर 2 फिर 3 अप टू सो ऑन अप टू n, तो इसका सम मेरे पास क्या बनेगा, इसका सम मेरे पास n (n+1)/2। इस सम की भी आइडिया ये है कि इसमें ये टर्म जो है ये लास्ट टर्म लिखी जाती है कि ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म लिखी जाती है, और लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म लिख के हम 2 से डिवाइड करके एक एवरेज बेसिकली, यानी ये हिस्सा सारा जो है एवरेज कंप्यूट कर लेता है, और ये नंबर ऑफ टाइम के कितनी दफ़ा ये अकर हो रहा है, सो एवरेज निकाल के उसे एन टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल सम निकल आता है। सो ये आइडिया भी जहन में रखिएगा कि ये हर चीज़ क्या है, ये चीज़ हमें बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि इस तरह अगर हमारे पास कोई चेंज हो जाए सीरीज जो है वो मसलन 1 से लेके n-1 तक हो जाए या 2 से लेके n तक हो जाए, तो हम इसका आराम से आसानी से फार्मूला खुद ही मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे तो फार्मूला आप आराम से ये मॉडिफाई इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर लेट से सीरीज जो है हमारे पास i इज इक्वल टू 2 to n हो, तो फिर हमारे पास यानी 2 + 3 up to n तक ये चल रहा है, तो सीरीज हमारे पास क्या बनेगी, जो भी ये आंसर था जो कि 1 से लेके n तक था उससे 1 कम हो जाएगा बस, तो ये n(n+1)/2 - 1 ये बनता है हमारे पास। और इसको इसको अगर मैं सॉल्व करूं, खास तौर पे एक बात दिखाने के लिए मैं चाहता हूं कि मैं इसे सॉल्व भी कर लूं, तो ये n(n+1)-2 आ गया, ये हो गया n² + n - 2/2, और इससे मैं कर सकता हूं कि n² + 2n - n - 2, यानी ये ऐड होगा तो n निकल आएगा और मल्टीप्लाई होगा तो 2n बन जाएगा ÷ 2, तो ये मेरे पास इसको मैं करूँ तो ये मेरे पास n+2 और n-1/2 निकल आता है। आप देख रहे हैं ये इसका सॉल्व करके ये आया है, लेकिन अगर मैं इस फार्मूले को ये सारी बात को जहन में रखूँ तो मैं बहुत आराम से इस फार्मूले तक पहुँच जाता हूँ। ये फार्मूला कह रहा था कि मुझे लास्ट टर्म लेनी है और फर्स्ट टर्म लेनी है, फर्स्ट टर्म इस वक्त 2 है और लास्ट टर्म इस वक्त n है, तो n+2 ये मेरे पास आ गया, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ टर्म्स से। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो n-1 नंबर ऑफ टर्म्स हैं,
और एवरेज इसका ले लेना था। सो ये मेरे पास, आप नोट करेंगे, वो फार्मूला डायरेक्ट बन गया जो इस तरह से इतनी लंबी कंपटीशन के बाद आया। सो ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि ये सीरीज बेसिकली कैसे बन रही है। फिर इसी तरह से हमें ये मालूम हो सीरीज, आई थिंक आई इज मिसिंग, इसी तरह से सीरीज मेरे पास आई इज इक्वल टू लेट्स से 1 to n है, और यहाँ पर n लिखा हो तो आप समझ सकते हैं ये n टाइम, यानी n को ऐड किया जा रहा है। n टाइम n को ऐड करने का मतलब ये है कि बेसिकली n स्क्वायर। सो ये मैंने मुख्तलिफ सीरीज लिखी हैं, और आई थिंक आप इनको पहले से जानते हैं, लेकिन सिर्फ ये आपके सामने मैंने रिवाइज कर दी हैं। अब हम अपनी इस फार्मूले में इस्तेमाल करना चाहेंगे कि सीरीज कैसे इस्तेमाल होंगी। व्यूअर्स, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर टी जे टर्म जो इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब ये अभी अननोन है टाइम, और ये टाइम डिपेंड करता है कि मेरे एल्गोरिदम का बेस्ट केस है या वर्स्ट केस है। बेस्ट केस का मतलब ये होगा कि मेरी अरे जो है उस वो बिल इस लूप में बिल्कुल भी ना आए, ये बेस्ट केस बन जाएगा कि इनर वाइल्ड लूप के अंदर कभी भी ना आए हम। और ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब ये स्टेटमेंट हमेशा हमारी फॉल्स हो जाए शुरू में ही, और इस स्टेटमेंट का फॉल्स होने के लिए ज़रूरी है कि मेरी अरे जो है उसके कुछ इस तरह से हो कि इसमें हमेशा से मसलन 2, 3, 4 इस तरह तरतीब से एलिमेंट अगर पड़े होंगे, तो जे जब भी यहाँ पर है और आई यहाँ पर है, अब की का कंपैरिजन जब भी होगा ए आई एलिमेंट से तो ये कभी भी ट्रू नहीं हो पाएगा, यानी की हमेशा हमारी बड़ी होगी ए आई से। सो इसका मतलब ये होगा कि हमेशा i+1 पोजीशन पर एलिमेंट इंसर्ट कर दीजिए, मसलन 3 यहीं पर रहेगा, और फिर जब जे यहाँ मूव करके आगे आ जाएगा तब भी हम देखते हैं और आई यहाँ पर मौजूद होगा। अब इस सूरत में भी हम देखते हैं कि कंपैरिजन दोबारा से फॉल्स हो जाएगा, यानी कि जो है आपके पास जो कि 4 है इस वक्त, वो आयथ एलिमेंट 3 से छोटी नहीं है। सो दोबारा से आपकी ये की एलिमेंट जे इस i+1 पोजीशन पर डाल दिया जाएगा जो कि जे भी है। सो इस तरह से ये लूप कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमेशा ये कंडीशन फॉल्स होती रहेगी, और ये बेसिकली मेरे एल्गोरिदम का बेस्ट केस होगा। और बेस्ट केस की सूरत में आप नोट कर रहे हैं कि टी जे जो है वो हमेशा 1 रहेगा, यानी आप कभी भी इसकी आइट्रेशन एक से ज़्यादा नहीं होने वाली। सो टी जे और यानी एक दफ़ा ही चलेगा और वो भी फॉल्स हो रहा होगा। सो इसका मतलब हुआ कि टी जे जब मेरे पास 1 रहेगा, मैं अपने इस इक्वेशन में जो मेरे पास रनिंग टाइम की बनी टी ऑफ एन इज इक्वल टू 5n-3, इसमें जब 1 डाल दूंगा यहाँ पर प्लस समेशन जे इज इक्वल टू 2 to n, और टी जे की जगह 1 डाल दूंगा यहाँ पर भी समेशन जे इज इक्वल टू 2 to n, और टी जे की जगह 1 डाल दूँ तो 1-1, ये तो बेसिकली सब कुछ 0 हो गया मेरे पास। इसका सॉल्यूशन अभी हम सीरीज देख चुके हैं, तो इसका सॉल्यूशन सीरीज के मुताबिक 2 से शुरू होकर n तक जा रहा है, n-1 आएगा प्लस 3 5n-6n-4 टी ऑफ एन, ये मेरे पास सोल्यूशन आया जो कि बेस्ट केस में है। ये मेरे पास इस एल्गोरिदम का बेस्ट केस है और इसका सोल्यूशन लीनियर सोल्यूशन आ रहा है मेरे पास। वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि आपका ये इस तरफ से कंडीशन कभी भी फॉल्स ना हो, बल्कि हमेशा इसकी वजह से लूप ब्रेक करता हो, और ये तभी मुमकिन है जब यानी ये हमेशा ट्रू होता रहे, जब अरे आपके पास इस फॉर्म में होगी कि एलिमेंट्स सारे इस तरतीब में पड़े हुए हैं, आपके पास रिवर्स ऑर्डर में है, मसलन 9 इधर है, 8 यहाँ पर है, फिर 7 है, फिर 6 है। अगर इस सूरत में ये रिवर्स ऑर्डर में पड़े हुए हैं तो की में मसलन सबसे पहले जब ये एलिमेंट रखा जाएगा तो की इज़ लेस देन दिस वन, सो इट रिक्वायर्स वाइल लूप मूव चले और आप इसको आगे शिफ्ट करें, फिर इसी तरह से और आई पीछे चला जाएगा, फिर इसी तरह से जब जे यहाँ पर होगा आई यहाँ पर आ जाएगा, और आपके पास ये 8 और 9 तरतीब में आ चुके हैं, लेकिन अब 7 का इससे भी ट्रू होगा, 7 का जब कंपैरिजन इससे होगा तब भी ट्रू होगा, यानी फिर 2 दफ़ा चलेगा, 7 का कंपैरिजन जब 8 से होगा 9 से होगा दोनों सूरतों में ट्रू रहेगा, फिर
इसी तरह से जब आपकी एरे में 7 यहाँ है, 8 यहाँ है, 9 यहाँ पर है, 6 की बारी आएगी तो 6 का 9 से कंपैरिजन होगा, ट्रू होगा, फिर 8 से होगा, ट्रू होगा, फिर 7 से होगा, ट्रू होगा। आप ये नोट कर रहे हैं कि वाइल की तमाम आइट्रेशंस चल रही हैं, और वाइल हमेशा आई की वजह से फॉल्स होता है। अब मुझे, मैं रनिंग टाइम यहाँ पर लिख लेता हूँ। टी ऑफ एन इज इक्वल टू, ये सीरीज अगर आप गौर करेंगे तो ये सीरीज वही से है जो कि अभी मैंने ऊपर डिस्कस की कि मेरे पास 2 से स्टार्ट हो रहा है और एन तक जा रहा है, यानी ये जो मेरे पास सोल्यूशन आया था, ये सोल्यूशन बेसिकली इस सीरीज के लिए है। ऐसी सूरत में मैं अपने रनिंग टाइम जब कंप्यूट करूँगा तो इसकी जगह पर, चीजें की जगह पर अब मुझे वर्स्ट केस कंप्यूट करना है, यानी ये पहले चीजें जो है वो तमाम आइट्रेशंस की, तमाम जे के ऊपर डिपेंड करता हुआ, मसलन पहले 2 दफ़ा चला, फिर 3 दफ़ा, फिर 4 दफ़ा, फिर 5 दफ़ा तक ये एंड टाइम चलेगा। सो मुझे इसके लिए इस में से ये जो हमने डिज़ाइन की थी इनमें से वैल्यूज चूज करनी पड़ेंगी। सो मैं इसको कह सकता हूँ कि मेरे पास रनिंग टाइम बन रहा है 5n -3 प्लस, इसको मैं लिख लेता हूँ एन -2, या इसको अभी मैं सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ एन इंटू एन +1 ओवर 2 -1 है ये, +2 इंटू, जहाँ तक इसकी बात है इस सम को, सम एक लीनियर ऑपरेटर होता है, मैं इसको इन दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर सकता हूँ, यानी मैं इसको j -2 टू n t j माइनस j इक्वल टू 2 टू n और t और 1 ये बना लेता हूँ। सो इसके ऊपर मैं, इन दोनों के ऊपर अगर इसका अप्लाई कर दूँ तो अभी हमने देखा था अगर ये 1 तक, 1 को सम करना है और j 2 से n तक चल रहा है, इस पहले फार्मूले को मॉडिफाई कर लें आप। यहाँ पर 1 था, आई 1 से स्टार्ट हो रहा था एन तक, लेकिन अब 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब एक एन कम हो जाएगा, एन -1 आ जाता है। तो इसका आंसर मेरे पास एन -1 सिंपली आ गया, और माइनस इसका आंसर मेरे पास जो अभी पहले हमने कंप्यूट किया, आई थिंक मैं इसको एन +2 इंटू एन -1 ओवर 2 इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, और यहाँ पर बाहर में 2 मौजूद है मेरे पास, और बाकी सारा आप समझ रहे हैं, ये मेरे पास एन स्क्वेयर ओवर 2 है, प्लस एन ओवर 2 है, -1 है, प्लस 5n। सो इसका, इसको भी सॉल्व कर लें, ये मेरे पास 2 आ गया, और यहाँ पर एन +2 इंटू एन -1 उसी तरह से रहा, और यहाँ पर मेरे पास 2 इंटू एन -1 आ गया, और इस सब के बाहर 2 मौजूद है, यहाँ पर भी 5n -4 कर देता हूँ मैं, इस एन और इस 1 और -3 को ऐड अप कर लिया, एन स्क्वेयर ओवर 2 प्लस एन बाई 2 ये मेरे पास बन गया, 2 से 2 मेरे पास ख़त्म हो गया। और अब आप देख सकते हैं कि ये रनिंग टाइम एन -1 मैं कॉमन ले लेता हूँ, सो अंदर रह गया एन +2, एन ओवर 2 प्लस एन स्क्वेयर ओवर 2 5n -4, ये भी एन स्क्वेयर -n आ गया। सो ये आप देख लें, इस वक्त मेरे पास 3/2 एन स्क्वेयर प्लस 9/2 एन -4 मेरे पास आ गया, और ये फॉर्म मेरे पास ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन प्लस सी वाली फॉर्म है, इट्स मीन मेरा ये फंक्शन जो है ये क्वाड्रेटिक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ रखता है। सो ये मेरे पास रनिंग टाइम आ गया जो कि मेरे इस एल्गोरिथम का रनिंग टाइम क्वाड्रेटिक है जी।
तो इसका हमें वर्स्ट केस में रनिंग टाइम ये समझ आया कि ये क्वाड्रेटिक है। अब व्यूवर्स, आखिर में इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, हमारे सामने बेस्ट केस अगर हम देखें तो बेस्ट केस में रनिंग टाइम 6n -4 आया, लीनियर था। वर्स्ट केस में रनिंग टाइम मेरे पास 3/2 n² + 9/2 n - something 4 ये आया, और ये मेरे पास क्वाड्रेटिक था। व्यूअर्स अगर, तो अब केयरफुली मैंने एसिम्प्टोटिक एनालिसिस जब इसका करना है तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करते हुए केयरफुली मुझे इसके बारे में स्टेटमेंट देनी है। अगर तो मुझे गिवन हो वर्स्ट केस, लेट्स से हम वर्स्ट केस से बात शुरू करते हैं, ये मेरे पास वर्स्ट केस था। अगर तो मुझे गिवन है वर्स्ट केस, तो मैं वर्स्ट केस, अब इसका आप छोड़ दें कि ये एल्गोरिदम से क्या ताल्लुक है, बस ये मेरे पास एक एन का फंक्शन है कोई, और अगर मैं इसके बारे में कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि बेसिकली थीटा जो है वो इसकी थीटा n² ये फंक्शन है, यानी इसकी टाइट बाउंड मैं बता सकता हूँ कि इसका अपर बाउंड एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड जो है वो भी n² है इस फंक्शन की, और इसी तरह से इस फंक्शन की लोअर बाउंड जो है वो भी n² है। अगर इस फंक्शन की मैं बात करूँ तो इस फंक्शन के लिए मैं कह सकता हूँ कि थीटा n इसकी टाइट बाउंड है, इसकी अपर बाउंड n है और इसी तरह से इसकी लोअर बाउंड भी n है। सो इम्पॉर्टेंट जो फ़र्क आप नोट करें, यानी अगर ये स्टेटमेंट हमें मिलती है कि इंसर्शन सॉर्ट इन बेस्ट केस इट्स इट इज बिग गो ऑफ एन, सो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसी तरह से ये कहना कि वर्स्ट केस इंसर्शन सॉर्ट का थीटा n² है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ब्लैंकेट स्टेटमेंट अगर मैं देना चाहूँ तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट देते हुए मुझे ज़रा केयरफुल होना है, मैं इसकी ब्लैंकेट स्टेटमेंट ये देख सकता हूँ कि ब्लैंकेट स्टेटमेंट में हम केस मेंशन नहीं करेंगे कि बेस्ट केस है या फिर वर्स्ट केस है, हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट में सिंपल कहेंगे कि मेरे एल्गोरिदम का, अब मुझे नहीं मालूम कि ये बेस्ट रनिंग टाइम है या वर्स्ट रनिंग टाइम है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मेरा इंसर्शन सॉर्ट का एल्गो जो है इसकी अपर बाउंड, यानी इसको बिग ओ ऑफ n² मैं कह सकता हूँ, इसकी अपर बाउंड बिग ओ ऑफ n² है, और ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट इस तरह से है कि ये पूरे एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं कि भाई इसकी अपर बाउंड जो है वो मेरे पास n² है, और ये बात ठीक है। इसी तरह से मैं अपने एल्गो के बारे में कह सकता हूँ कि मेरा इंसर्शन सॉर्ट का एल्गो जो है इसकी लोअर बाउंड वो n है, ये बात भी ठीक है, ब्लैंकेट स्टेटमेंट है कि इसकी लोअर बाउंड, हम ये मेंशन नहीं कर रहे बेस्ट केस या बेस्ट केस, ब्लैंकेट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जनरल हमने एल्गोरिदम के बारे में बात कर दी है। हाँ, लेकिन मैं अपने एल्गोरिदम के बारे में ये नहीं कह सकता कि ये थीटा कोई एन या फिर n², मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता, ये गलत होगी, क्योंकि मेरा एल्गोरिदम को, अब अगर मैं ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देता हूँ तो इसका तो मतलब ये है कि हर हाल में चाहे जो भी केस हो मेरे एल्गोरिदम के अपर बाउंड और लोअर बाउंड n² है, जबकि ऐसा नहीं है, इसके बेस्ट केस में लोअर बाउंड कुछ और बन जाती है और वर्स्ट केस में इसकी लोअर बाउंड कुछ और बनती है। इसी तरह n कह दूँ, थीटा n भी नहीं मैं कह सकता, क्योंकि इसकी बेस्ट केस में तो अपर बाउंड n बनती है लेकिन वर्स्ट केस में इसकी अपर बाउंड n नहीं बनती। सो ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट के मैं ये कहूँ कि मेरा इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम थीटा n² में काम करता है, गलत होगी। हाँ, ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट के मेरा इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम बिग ओ n² में काम करता है, ठीक है, और ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट के मेरा एल्गोरिदम इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम बिग ओमेगा n है इसके बाउंड, तो ये बात भी ठीक है। और जब मैं केस मेंशन करूंगा तो फिर मैं अपने केस के लिहाज से ये बात कर सकता हूँ। सो ये बात केयरफुली हमें अपने एल्गोरिदम का एसिम्प्टोटिक एनालिसिस आखिर में प्रेजेंट करना होगा। सो इंसर्शन सॉर्ट के बारे में
ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स दी जा सकती हैं, जबकि बेस्ट केस और वर्स्ट केस के बारे में आप थीटा के साथ स्टेटमेंट दे सकते हैं, जिसके अंदर इसका मतलब ये है कि इसका बिग ओ बी एन है और इसका बिग ओमेगा बी एन है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम इसका बिग ओ बी एन स्क्वेयर है और बिग ओमेगा बी एन स्क्वेयर है। थैंक यू व्यूअर्स, इस वीडियो के साथ ही हमने अपने इंसर्शन सॉर्ट के वर्किंग को भी समझ लिया, करेक्टनेस प्रूफ भी समझ चुके हैं हम, और उसका एफिशिएंसी एनालिसिस कर चुके हैं और एसिम्प्टोटिक एनालिसिस भी डिस्क्राइब कर चुके हुए हैं।